जो लक्ष्य अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम आगे बढ़ते जाएंगे। दुनिया के सबसे घृणित व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर मैं भारत से बाहर फेंक दूंगा। सानो शौकत से शादी विवाह पे हत्या, अच्छे नाम रखने पे हत्या, अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या। बाबा साहब के भारत में क्या हो रहा है? जान गया संसार, धन्य तुम्हारी बुद्धि को धन्य मेरे करतार। वतन की जान था सूरज जमाने का था अम्बेडकर, विधाता था गरीबों का हुनर का था ये पैगंबर। सवर्णों के घरों में मान लो अम्बेडकर आता, तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा भगवान बन जाता। दबाई जब पकड़कर जुल्म की जंजीर चुटकी से, भरी सैदा न जाने किस कदर तासीर चुटकी से। लिए बैठा है क्यों जालिम दीवाएं तीर चुटकी से, अपनी किस्मत का कर ले फैसला बेपीर चुटकी से। तो हुस्न को शोक मार देते हैं और जिस्म को रोग मार देते हैं, आदमी खुद व खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते। तो मिलाकर आपसे नजरे मुसीबत देख ली मैंने, कयामत से भी पहले मैं कयामत देख ली मैंने। मेरा दिल ले के हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने, हमेशा जलते रहे तू तेरी उल्फत देख ली मैंने। तो घर से निकले शहर करने को दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ शमशान दूसरी तरफ कब्रस्तान थे। चलते चलते एक मुर्दे की हड्डी पर पैर पड़ा, उसके क्या बयान थे। ए बंदे संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे और मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। जो लक्ष्य अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम आगे बढ़ते जाएंगे। दो दिन की बहारें हैं जग में, जब जुल्म किसी का चलता है, इस जुल्म का सूरज लाख तपे हर शाम को लेकिन ढलता है। नफरत के शोले हैं दिल में, हम उनको बुझाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। सच्चाई खातिर इस युग में शहीदों ने भी गोली खाई थी, सरदार चढ़ा था सूली पर, नर नारियों ने जान गंवाई थी। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तस्वीर बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। सच्चाई के खातिर इस युग में महापुरुष हजारों आए यहाँ, समता बंधुता का दीप जला, सबको प्रकाश दिखलाया है, बुध दीप को लेकर के अब हम अंधकार मिटा कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, अपने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। वही है तन वही है जान, तो कब तलक छुपाओगे और पहन कर रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। एक जात है सभी अवर्ण क्या सवर्ण क्या, और लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। गरीब है तो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, गरीब है तो इसलिए कि तुम अमीर हो गए। एक बात सा हुआ सौ फकीर हो गए, खता ही समाज की भले बुरे नसीब क्या। और लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जब एक है तो क्यों न फिर दिलों का दर्द बांट ले, जब एक है तो क्यों न फिर दिलों का दर्द बांट ले, और लहू की प्यास बांट ले, रगों का दर्द बांट ले। लगा लो सबको तुम गले, हकीम क्या रकीब क्या, और लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। छोड़ अब छुआछूत भेदभाव छोड़ो, छोड़ अब छुआछूत भेदभाव छोड़ो, और कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। पीटो लकीर नहीं बुद्धि अपनी साफ करो, कौन है ऊंच नीच गौर से इंसाफ करो। सभी इंसान जन्म एक तरह लेते हैं, फर्क कोई नहीं, सब एक तरह मरते हैं। सच पूछो तो मनुष्य जाति एक होती है, और जाति का चक्र चला करके लूट होती है। यही तिकड़म अमीरों का चूसने के लिए, और सरासर जाल गरीबों को लूटने के लिए। गर समझ में आए तो जातियों को तोड़ो, और कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। हुए निर्धन सभी अधिकार छोड़ बैठे हम, और बड़ों की सेवा में घर बार छोड़ बैठे हम। मिली तालीम नहीं अकल मार बैठे हम, सभी उन्नत और साधनों को हार बैठे हम। लगी जब भूख मिला अन्न नहीं खाने को, बाद मरने भी कफन नहीं दफनाने को। इसी तरह से गरीबों की उम्र बीत गई, और दिया बहकाए हमें सही डगर छूट गई। आओ इधर और डगर अपनी मोड़ो, और कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो। बुद्ध बनने का बुद्धि
बेकरार हो जी तब ही प्राणिन का प्राणिन से प्यार हो जी, बुद्ध बनने का बुद्धि बेकरार हो जी तब ही प्राणिन का प्राणिन से प्यार हो जी। रंग भेद ढंग भेद जाति ना बरनवा, रंग भेद ढंग भेद जाति ना बरनवा, और देश भेष भेष भाषा भाषा भेष देश के गुणवा, जब मनई मनई माँ आविष्कार होई तब ही प्राणिन का प्राणिन से प्यार होई। अभी तक क्या होता रहा है प्राचीन काल से यदि इतिहास को खंगाला जाए तो जिस प्रकार की असमानता और मनुवाद प्रवृत्ति से बहुजन समाज पिछड़ा वर्ग जिसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी सम्मिलित हैं, एक प्रकार से समाज में तिरस्कृत जीवन जीता रहा है। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से एक संविधान हमें मिला और वह संविधान समता समानता समाजवाद पर आधारित है, परंतु 1950 से लागू संविधान के उपरांत भी क्या बहुजन समाज में समानता, बहुजन समाज के साथ समानता हुई है? यह एक विचारणीय विषय है और इस पर पूरे बहुजन समाज को एकत्रित होकर एक साथ मिलकर आवाज उठानी है। देश के संसाधनों में समानता की भागीदारी हमारा अधिकार है और उस अधिकार के लिए सामाजिक न्याय के बहुत से संगठन इस देश में कार्य कर रहे हैं, परंतु सभी संगठन एक ही प्रकार की आवाज तो उठा रहे हैं, परंतु वे अलग अलग उठा रहे हैं जो देश के नीति नियंताओं के कानों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए सभी सामाजिक न्याय पर कार्य कर रहे संगठनों को अपनी आवाज एकता के साथ एक मंच पर उठाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और तभी उनकी आवाज उन नीति नियंताओं के पास पहुंचेगी जो हम जो बहुजन समाज के सामाजिक राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों को उन पर कुठाराघात कर रहे हैं या उनको किसी भी प्रकार से लेने नहीं देते हैं। ये विडंबना ही है कि 1931 की जनसंख्या को यदि आधार माना जाए, जबकि उसके बाद आंकड़े दूसरे भी हैं हो सकते हैं, परंतु यदि उसको भी आधार माना जाए तो इस देश का 85% वर्ग जो भारत का मूल निवासी है वह अपने अधिकारों की लड़ाई समानता का अधिकार उन लोगों से मांग रहा है जो अल्पमत में है, जो केवल 15% है। इस पर सभी सामाजिक संगठनों को, सामाजिक न्याय के संग पर कार्य कर रहे संगठनों को विचार करना होगा कि वह उस स्थिति में क्यों नहीं आ पा रहे हैं कि 85% वर्ग इस स्थिति में हो कि वह सामाजिक अधिकारों की या समानता के अधिकारों की निर्णायक स्थिति में हो और 15% वर्ग ही अपने अधिकारों की मांग 85% वर्ग के लोगों से करे। यह सब क्यों नहीं हो पा रहा है इस पर हमें विचार करना है।
हमें जनमत जगाना है, लोगों की चेतना को जगाना है कि भाई बहुमत में होने के बावजूद भी हम अलग अलग चलकर अल्पमत में क्यों हैं और अल्पमत वालों को बहुमत का अधिकार देकर हम उनको शासक किस प्रकार से बनाए हुए हैं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार, समान अधिकार सभी को दिलाया, परंतु क्या उस समान अधिकार को हम एकत्रित होकर, बहुजन समाज एकत्रित होकर एक स्थान पर डालने का प्रयास कर रहा है? और यदि नहीं कर रहा है तो इसका कारण क्या है? हमें देहातों में जाना चाहिए, सबसे बड़ा जनमत, सबसे बड़ी जागरूकता देहातों में जगानी है। जब तक हम देहातों में जाकर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के प्रति जागृत नहीं करेंगे, तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी जो चली आ रही है। और हम सभी संगठन अलग अलग प्रयास करते हुए अपनी मांगों को बस मांगते ही रहेंगे, मिलने की उम्मीद बहुत कम, बहुत क्षीण हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो हमारा वोट का अधिकार है वो किसके पास है? जब तक हम उनको जागृत नहीं करेंगे, जब तक हम उनको एकत्रित नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें उनके अधिकारों के प्रति बताकर और एक साथ एक दल के लिए, वो चाहे कोई भी दल हो जो सर्वजन हिताय की बजाय बहुजन हिताय की बात करे, यदि उसको वोट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई ताकत नहीं है कि इस देश में बहुजनों का राज स्थापित होने को कोई रोक सके। हमारी सबकी ये ड्यूटी बनती है, हम सभी सामाजिक संगठनों का ये कर्तव्य है कि वह हम अपनी सभाओं में जो जिला स्तर पर होती हैं या मुख्यालय पर होती हैं, उन सभाओं को चौपालों के रूप में देहातों में ले जाएं और हर संगठन की एक शक्ति या उसका जो आकलन है वो इसी आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी कितनी चौपालें देहातों में लगाई हैं और कितने लोगों को उन्होंने जागृत किया है। और यदि हम यही सभी संगठन ऐसा भी संकल्प ले लें कि ये जो संकल्प समानता का आज हमने लिया है, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और किसी भी व्यक्ति को इस संकल्प से अनभिज्ञ नहीं रहने देंगे और उनको जागृत करके उनके अधिकारों की मांग करने के लिए उनको एकत्रित करेंगे। बहुत ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर हर व्यक्ति को चाहिए कि वह इन आयोजनों में धन के साथ, बल के साथ और अपनी भागीदारी के साथ जो भी समय उसके पास हो उतना दे और सामाजिक योगदान ज्यादा से ज्यादा करके समानता के अधिकार को स्थापित करें। धन्यवाद। उनके ऊपर जो गुजरा, एक वृक्ष के नीचे रोते रोते जो संकल्प लिए कि मैं इस देश से वर्णवादी व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, स्त्री दासता, ऐसे दुनिया के सबसे घृणित व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर मैं भारत से बाहर फेंक दूंगा। बाबा साहब का ये संकल्प, उन्होंने अपने जीवन में जो कर सके हजारों गुना ज्यादा किए, परंतु आज भारत में क्या परिस्थितियां हैं, कहीं छुआछूत का इतना हद हो गया है, मूछ रखने पे हत्या, सानो सौकत से शादी विवाह पे हत्या, अच्छे नाम रखने पे हत्या,
अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या। बाबा साहब के भारत में क्या हो रहा है? आज बहुत ही मन यहाँ पे खुश है कि संपूर्ण भारत से 500 से भी ज्यादा संगठन के अति सम्मानी पदाधिकारी, संगठन चलाने वाले सामाजिक चिंतक यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था, अभी 10 दिन पहले गोरखपुर से विशेष विमान से रायपुर लाया गया, पर भाई मेघराज सिंह जो यूएसए में है उनका फोन आया था कि भारत में बहुत सम्मानित सामाजिक संगठनों का एक कार्यक्रम है, उसमें बाबूजी को शामिल होना चाहिए, और आपको मनाही था, फिर भी बाबूजी ने ये कार्यक्रम को सुना तो मुझसे बातें हुई कि हम इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। और उन्होंने स्लोगन दिया, उन्होंने एक बहुत खास स्लोगन दिया है आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में। भाइयों, मैं बस आधा मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में आने से पहले, मरना भला विदेश का, मरना भला विदेश का, पक पंछी भोजन करे तन भंडारा होए। मैं घर में मरने से अच्छा बाहर जाके मरूं और मेरे शरीर को कुत्ते बिल्ली पक्षी खा जाएं तो मुझे मंजूर है, मेरे तन का भंडारा हो जाए, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं जाना चाहता हूं। हमारा जो पुत्र है वो छत्तीसगढ़ के सीएम है, उनका आदेश है जो भी है, लेकिन मैं सामाजिक कार्यक्रम में आखिरी सांस तक बने रहना चाहता हूं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय की मर्यादा है, बस इतना कहना चाहता हूं कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो जीवन भर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में कोई महापुरुष संघर्ष किए तो बाबा साहब किए हैं, उनके बताए रास्ते को हम जन जन तक भारत में सभी सामाजिक संगठन के लोग मिलकर किस तरीके से भारत की संविधान की रक्षा, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कर सकें, इसके लिए आप सब लोगों ने इतना बड़ा सोच रखा है, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।